तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो, अरे सोटी तो एक काम कर, अभी कभी मेरा गोडाउन आ जा। अभी कभी गोडाउन पे क्यों हो गया यार? हाँ, जरा वो पार्टी की बात करनी है तुझसे। पार्टी भी अपनी वाली पार्टी शार्टी थी? हाँ, पार्टी शार्टी वाली पार्टी। अरे जेठा भरा, अचानक से पार्टी शार्टी का प्लान कैसे बन गया यार? अरे भाई, पार्टी शार्टी का प्लान तो अचानक ही बनता है ना। तू आजा जल्दी, तो गोडाउन आजा, तो बाद में मैं तुझे सब विगत पर बताता हूँ। अरे जेठा भरा, तुम फोन रखो, यूं आया यूं। ओके, आजा आजा आजा। आ रहा है सोठी, आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड, मछली जाल में फंस गई। मेहता साहब, सोठी कोई मछली नहीं है, वेल है, वेल। आजा आजा सोडी आजा, तू जीप लेके भागा था ना, लेकिन अब तो तुझे वो बात बतानी पड़ेगी। पोपटलाल, सोडी जब बालकनी से कूद के जीप में भागा था, तब तुम उससे सामने मिले थे ना, तो और महिला मंडल ने तुम्हें बोला था ना कि उसको रोकने के लिए। हाँ, तो सोडी जान गया होगा कि महिला मंडल ने तुम्हें सारी बात बताई होगी। और अगर सोढ़ी ये जानता है कि महिला मंडल ने पोपटलाल को बात बताई है, और फिर अगर पोपटलाल तुम्हें सोढ़ी यहाँ देख लेगा, तो समझ जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ प्लानिंग है। हमारा सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा भाई। सही बात है, पोपटलाल को सोढ़ी के सामने नहीं आना चाहिए। हाँ, पोपटलाल तुम निकलो यहाँ से, निकलो। क्या निकलो भाई, मैं कहीं नहीं जाऊंगा भाई, मैं यहीं बैठूंगा। मैंने रोशन भाभी को जुबान दी है कि सोढ़ी की वो बात पता करके ही आऊंगा। अरे भाई, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन सोढ़ी को नजर नहीं आऊंगा। कैसे? वो भी दिखाता हूँ। मैं दिख रहा हूँ किसी को? हाँ, सबको दिख रहा है भाई। मैं दिख रहा हूँ किसी को? नहीं, अब नहीं दिख रहा। हाँ, अब नहीं दिख रहा है। बस कुछ बोलना नहीं। जेड़ा ब्रा, ओ जेड़ा ब्रा। अरे मेहता साहब, आतिफ रा, आप सब भी यहाँ पे? सोढ़ी, पार्टी शार्टी की बात और हम लोग ना, ऐसा हो सकता है क्या? यारो, तुझे तो दिल खुश कर देता। थैंक यू, बैठो। जैसे ही पता चला कि पार्टी है, हम तुरंत यहाँ पे आ गए। ओ यारो, आप सब भी आ गए हो, अब तो पार्टी शार्टी का और भी रंग चढ़ेगा। अरे मजा आएगा, मजा। ओ दोस्तों, यारो प्लान किया है। हाँ, तो सोढ़ी, प्लान ये है कि हम सब दोस्तों ने मिलके नक्की किया है कि आज रात को मेरे घर पे पार्टी शार्टी करते हैं। ओहो, क्या है, मेरा एक दोस्त फॉरेन से आया है, तो वहाँ से एक मस्त इम्पोर्टेड कैरम की बोतल लेके आया है। और आज रात को बापूजी भी घर पे नहीं है, तो सब दोस्त मिलके मस्त पार्टी शार्टी करेंगे। क्या कहते हो दोस्तों? अरे हाँ, जगह है। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा मौका कभी मिल सकता है क्या? हम तो शानदार पार्टी करेंगे भाई। सोढ़ी, वी ऑल आर इन, व्हाट अबाउट यू, यू आर इन और आउट? ओ मेहता साहब, नेकी और पूछ-पूछ, ऐसे कामों के लिए तो मैं हमेशा इन ही रहता हूँ। आई एम इन। ओ यारो, मस्त पार्टी शार्टी करेंगे, मौजा ही मौजा। तो ठीक है, आज रात को 8 बजे जेठा के घर पे मिलते हैं, और फिर मौजा ही मौजा। तेरी रात को 8 बजे? ओ यारो, सॉरी, मैं आज पार्टी शार्टी नहीं कर सकता। तू पार्टी के लिए ना बोल रहे तू? हाँ जेठा भरा, मैं ना बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा 8:30 बजे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अरे सोढ़ी, पर जो इम्पोर्टेंट काम तुझे 8:30 बजे करना है, वो अभी कर लेना, ताकि पार्टी का मूड तो खराब नहीं हो भाई। हाँ, सॉरी मेहता साहब, वो काम मैं अभी नहीं कर सकता, वो रात को 8:30 बजे ही हो सकता है। सोढ़ी, ये तो गलत है भाई, पार्टी कर रहे, पार्टी शार्टी कर रहे, और तुम ही नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? हाँ। सही बात है सोढ़ी, ऐसी पार्टी शार्टी के लिए तो तुम सारे काम के लिए ना बोल देते हो, फिर आज तुमको क्या हो गया? और बहुत मुश्किल से ये पार्टी शार्टी का प्रोग्राम सेट हुआ है सोढ़ी। जेठा भरा, मेरा काम पार्टी शार्टी से भी ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या काम है सोढ़ी? हाँ। मुझे रोशन डार्लिंग को एक खास बात कहनी है। क्या? 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 सीता भरा? इस तरफ से भी कोई आवाज आई ना? हाँ, नहीं वो तो ये गोडाउन की रचना ही कुछ ऐसी हुई है ना कि इधर कुछ भी बोलो तो पड़गा पड़ता है। हैं? ये पड़ता है? पड़गा मैं तो सब। हाँ, एको आवाज एको होती है। हाँ। अच्छा इको। हाँ ये देख। क्या 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 देखा? हाँ देखा, ये एको फ्रेंडली गोडाउन है। ये एको वेको छोड़ो बाबा, छोड़ी ये एको वेको छोड़ो भाई। तुम्हारी जो इम्पोर्टेंट बात तुम्हें रोशन भाभी से करनी अभी कर लो ना भाई। फोन लगाओ अभी बात कर लो ताकि शाम की पार्टी हो सके, वो कैंसिल नहीं हो। ओ यारो वो गल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं वो रात को ही कह सकता हूँ। सुधी लेकिन ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तू पार्टी में आने को तैयार नहीं है? बता भाई, हमको भी बता, आखिर हमें भी तो पता चले ऐसी क्या बात है ये। हाँ बता दे सुधी, बता दे। सॉरी जेठापरा, वो गल मैं आप सब में से किसी को भी नहीं बता सकता। अरे हमें क्यों नहीं बता सकता सोडी? हम सब तो तेरे दोस्त हैं और दोस्तों से क्या छुपाना। तो बिल्कुल सही कहा आपने हाथी भाई, बिल्कुल सही कहा। और सोडी, दोस्तों में तो कुछ भी सीक्रेट नहीं होता है। और तुम्हारा स्वभाव कैसा है? तुम तो हर चीज हमारे साथ शेयर करते हो। हाँ फिर ये बात बताने में क्या अर्ज है सोडी? मेहता साहब, ये बात मुझे अपनी रोशन डार्लिंग को बतानी है और रोशन डार्लिंग को बताने से पहले आप सबको बता दी तो मेरी रोशन डार्लिंग से ये चीटिंग हो जाएगी ना। और रोशन डार्लिंग से मैं कभी सपने में भी चीटिंग नहीं कर सकता। रोशन भाभी ने बोला है तुझसे वो बात पता करने के लिए। कल्याण तू? हाँ तू था वो इको। हाँ अच्छा, तो आप सबको मालूम है कि आज रात को मैं रोशन डार्लिंग को कुछ बताने वाला हूँ और इसीलिए आप लोगों ने पार्टी शार्टी का बहाना बना के मुझे गैरेज से यहाँ बुलाया। हाँ। तो यार रोके, यार से झूठ बोला, रोशन सिंह सोडी से झूठ बोला। शांत हो जाओ सोडी, शांत हो जाओ। हाँ गुस्सा मत करो सोडी, देखो हमको गलत मत समझना। और जो भी बात मैं रोशन भाभी को बतानी है वो अभी हमें बता दो, फिर रात को हम लोग सच में पार्टी शार्टी करेंगे। ओ यारो, अब मुझे कुछ नहीं पूछना और मैं जो भी बोलूंगा रात को 8:30 बजे ही बोलूंगा। आप लोगों में से मुझे कोई बात तुला ना। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। मैंने रोशन भाभी को वादा किया कि मैं तेरी सीक्रेट बात जान के रहूंगा। पता वो बात क्या है? ओपो छाड़ दे नहीं तो तानू लग जाएगी। हाँ छोड़ छोड़ पोपटलाल। नहीं, जब तक तू मुझे अपनी खुशी दुख और गुस्से वाली बात नहीं बताएगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है रुक जा, अरे थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे पोपटलाल अंदर? और नहीं तो क्या जरूरत थी बाहर आने की? सारा प्लान चौपट कर दिया। देख लिया ना रौद्र स्वरूप सोडी का, और साथ में आप लोगों की दोस्ती भी देख ली। कोई नहीं है रण मैदान में, मैं अकेले लड़ता रहा। अरे पर किसने बोला था रण मैदान में उतरने के लिए? बिना सोचे समझे उतर पड़ा रण मैदान में। डरते सबके सब सोडी से। ए, इसे डरना नहीं समझदारी कहते हैं पोपटलाल। हाँ। सही बात है, सब जानते हैं पोपटलाल। जब सोडी गुस्से में होता है तो उसे छोड़ देना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये तुम्हारी वजह से पूरी बाजी उल्टी पड़ गई। जाना था जापान, पहुंच गए नेपाल। नेपाल नहीं चीन बाबा। भाई तुझे चीन जाना है तो तू चीन जा भाई, मुझे नेपाल जाना है। अभी यार ये भूगोल छोड़ दो ना, चीन या नेपाल। आप लोगों ने एक बात नोट की दोस्तों, हम लोगों ने सोडी को इतना कहा लेकिन उसने पार्टी शार्टी करने से इनकार कर दिया, नहीं माना वो। हाँ मेहता साहब, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसा पहली बार हो रहा है कि सोडी ने पार्टी शार्टी के लिए मना किया है। सच में सोडी ने पार्टी के लिए मना किया, मतलब ये बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खास बात लगती है। मुझे तो डर है कि अभी महिला मंडल को क्या जवाब देंगे। हेलो, 100 साल जिएंगे, अभी उनका फोन है। हाँ बोलो माधवी। हाँ हो, क्या हुआ? सोडी भाई ने बात बताई। माधवी, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सोडी से वो बात पता नहीं कर पाए। अरे देवा। हाँ माधवी भाभी, सोडी ने अपने खुशी, गम और गुस्से वाली बात बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये आप क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? आप लोग तो मेरी आखिरी उम्मीद थे। आप लोग ने ठीक से कोशिश की थी ना? अरे क्या बात कर रही है रोशन भाभी, ऐसी कोशिश की कि पूछिए मत। जेठालाल ने ऐसा जबरदस्त आइडिया दिया कि उस आइडिया के सामने तो फौलादी आदमी भी पिघल जाए, लेकिन नहीं माना सोडी। और वो आइडिया सोडी के लिए बिल्कुल फिट था, लेकिन सोडी टस से मस्त नहीं हुआ। ऐसा क्या आइडिया दिया था जेठा जी ने? साहब, क्या जरूरत थी आइडिया के बारे में बोलने की? अब बबीता जी, कोई खास आइडिया नहीं था। जेठा जी, अब बताइए तो सही क्या आइडिया था, एटलीस्ट हमें पता तो चलेगा। वो पार्टी शार्टी का आइडिया। ओ खुदाई जी, पार्टी शार्टी का आइडिया? हे भगवान, यानी आप लोग वहाँ पे पार्टी शार्टी करने वाले थे? अरे नहीं नहीं अंजलि, हम लोग कोई पार्टी शार्टी नहीं करने वाले थे भाई। ये तो सोडी से बात उगलवाने के लिए जेठालाल ने झूठ मूठ का आइडिया दिया था। बोलो ना भाई जेठालाल, बोलो ना। हाँ नहीं नहीं अंजलि भाभी, हम कोई पार्टी शार्टी नहीं करने वाले थे। वो तो हमने ऐसे झूठ मूठ का बहाना बनाया था। आज रात को 8 बजे हम लोग पार्टी शार्टी के लिए मिलते हैं, तो उससे मैंने सोचा कि वो जो 8:30 बजे बात बताने वाला है रोशन भाभी को, वो पार्टी में आने की लालच से अभी बता देगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा था। हाँ, लेकिन फिर भी सोडी नहीं माना। सही बात है, वो अपनी बात पे ही अड़ा रहा कि मुझे 8:30 बजे एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे पार्टी शार्टी नहीं करनी है। ओह, रोशन ने पार्टी शार्टी के लिए मना कर दिया। ओ कोडाई जी, मने तो चक्कर आवी रह्यो छे। ये बात तो मेरी समझ से बाहर ही है। हां देखिए, अभी और कोई रास्ता नहीं बचा है। सोडी जो भी बात बताने वाला है वो रात को ही बताने वाला है। सॉरी महिला मंडल, हम सबकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। सॉरी। हाँ ठीक है। छोटे की ये बात की वजह से बेचारे रोशन भाभी कितने परेशान हो गए हैं। परेशान तो हो रही हैं वो, लेकिन हम लोग इस तरह से परिस्थिति को स्वीकार करके बैठ नहीं सकते। मुझे लगता है कि सोडी क्या बात बताने वाला है, ये जानने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए। लेकिन मेहता साहब क्या कर सकते हैं, महिला मंडल ने सारे उपाय करके देख लिए, हमने पार्टी शार्टी जैसा शस्त्र इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं नहीं भिड़े, अभी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको अभी तक हमने नहीं वापरा है। ब्रह्मास्त्र? हाँ, और ये ब्रह्मास्त्र ऐसा है कि जिसको वापरने से छोटी जो बात हमें नहीं बताना चाहता है वो यूं उगल देगा। क्या है ये ब्रह्मास्त्र? क्या है नहीं हाथी भाई, ये पूछिए कौन है ये ब्रह्मास्त्र? कौन है? बापूजी। अगर बापूजी सोडी को इस बात के बारे में पूछते हैं तो सोडी बापूजी को मना नहीं कर पाएगा। बापूजी को तो उसे ये बात बतानी ही पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, सही में ब्रह्मास्त्र है जेठालाल। अरे ये बात हमारे दिमाग में आई ही नहीं। हाँ, और सोडी चाचा जी की बात कभी नहीं टालेगा। अरे तो राह किसकी देख रहे हैं? फटाफट सोसाइटी जाके महिला मंडल को ये बात बताते हैं और फिर सब मिलके चलते हैं ब्रह्मास्त्र को मिलने, चाचा जी को मिलने। हाँ हाँ, एक काम करना, जैसे ही आप लोगों को बात पता चले हमें फोन पे जरूर बता देना, है ना? हाँ मैं कर दूंगा। चलो 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 चलो। सोडी अब बच के कहाँ जाएगा? बापूजी को तो ये बात तुझे बतानी ही पड़ेगी। रोशन भाभी, अब कब से चक्कर काट रहे हैं, थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए ना प्लीज। हाँ प्लीज माधवी भाभी, एवरीटे शांत बैसू। मेरी शांति तो रोशन अपने साथ ले गया है। जेठा भाई का आइडिया पन फ्लॉप हो गया है। मुझे किसी भी तरीके से वो बात जानना है, नहीं तो तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। हाँ रोशन भाभी, हम समझ सकते हैं, लेकिन अब करे भी तो क्या करे, कुछ सोच भी नहीं रहा है, कोई रास्ता ही नहीं बचा है। निराश मत होइए माधवी भाभी, एक आखिरी रास्ता है। ओहो, आप तो कह रहे थे कोई रास्ता नहीं बचा है। नहीं, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ऐन मौके पे जेठान ने एक ऐसा रास्ता सुझाया है कि अभी सोडी को बात बतानी पड़ेगी। हाँ, और ये रास्ता हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा और रोशन भाभी के साथ साथ हम सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे तो पोपट भाई जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो छेल्लो रास्तो छेसू। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेशु। उनको मालूम है, वो पूछ रहे रास्ता क्या है, वो बताओ। रास्ता है चाचा चंपक। चंपक चाचा? चंपक चाचा? वो ऐसे अंजलि भाभी कि हम सभी अभी चंपक चाचा जी के पास जाएंगे, उनको पूरी बात बताएंगे, और मुझे खातरी है कि चाचा जी पूछेंगे ना तो सोडी मना नहीं कर पाएगा, उसको बात बतानी पड़ेगी। सही बात है। हाँ, करेक्ट। चलो फिर चलते, उनको सारी बात बता दे। चाचा जी हाँ, आइए आइए। नमस्ते चाचा जी। हाँ, अरे आप सब लोग यहाँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? सच्ची मुच्ची बोलूं चाचा जी तो कहीं पन ठीक न ठीक। क्या बात है रोशन बेटा, तेरा चेहरा क्यों ऐसे मुरझाया हुआ लग रहा है, और आप सबके चेहरे भी। चाचा जी हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? क्या? चाचा जी मैं आपको पूरी बात समझाती हूँ। हुआ यूं, मारा सर का चीटिंग की रोशन छुट्टू, रोशन तो भी जा। बताइए ना क्या बात है। रोशन मुझसे बोला कि जो बात वो मुझे बताना चाहता है वो सुन के मुझे खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। आप क्या बताने वाले हैं वो जानने के लिए बहुत उत्सुक है। जल्दी जल्दी बोलनी बाबा, सुवाद छे। ये बात मैं आप लोगों को 8:30 बजे ही बताऊंगा। ऐसी बात जिसमें खुशी भी होगी, दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। कमाल है, मेरी पूरी जिंदगी में मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। आज क्या हो क्या गया है सोडी को? इस तक गलत नहीं है। पता नहीं चाचा जी, उसी के कारण रोशन भाभी बेचारी सुबह से परेशान है, और उनके साथ साथ हम सब भी। और जब तक इस बात का पता नहीं चलेगा कि बात क्या है, ना उनको चैन आएगा ना हमको। आने दो सोडी को, उसका कान पकड़कर बराबर खबर लेता हूँ उसकी। चाचा जी आप कान नहीं पकड़ सकते, वो पगड़ी पहनता है। नहीं बराबर बराबर है, मतलब आप डांटिए उसे। हाँ हाँ तो डांटूंगा ही ना। हाँ आने दो उसे। चाचा जी सोडी भाई यहाँ नहीं आएंगे, आप उनके पास जाइए और उनको कहिए कि उनकी दुख गुस्सा और खुशी वाली बात अभी के अभी हम सबको बताएं। हाँ चाचा जी, अगर आप रोशन से पूछेंगे ना तो वो चौकस बताएगा, आपको कभी भी मना नहीं करेगा। बराबर। हाँ चाचा जी, सोसाइटी के सभी लोग आपकी बात मानते हैं, सोडी भी जरूर मानेगा। ठीक है, चलो तुम लोग भी साथ चलो। हम सब? हाँ, वहीं के वहीं पता कर लेंगे कि बात क्या है। चलो चलो चलते हैं। नहीं नहीं पोपटलाल, हम रहने देते हैं, सिर्फ महिला मंडल और चाचा जी को जाने दो। क्यों? क्या क्यों पोपटलाल? भूल गए गोडाउन की घटना? फिर से वही रूप देखना है तुम्हें सोडी का? नहीं नहीं आप लोग जाइए। कौन सा रूप? क्या हुआ था गोडाउन में? चाचा जी वो मैं आपको रास्ते में बताती हूँ, अभी जल्दी चलिए ना प्लीज। दोस्तों कहते हैं भगवान जब सारे रास्ते बंद कर देता तो एक रास्ता जरूर खुला रखता, जिसपे शायद हमारी नजर नहीं पड़ती, लेकिन गोकुल धाम निवासियों की नजर पड़ गई है इस रास्ते पे। महिला मंडल चंपक चाचा को लेके जा रहा है सोडी के पास। अब सोडी क्या करेगा, उसे घुटने टेकने ही पड़ेंगे। अब तो सोडी को अपनी खुशी गुस्से और दुख वाली बात बतानी ही पड़ेगी। अब चंपक चाचा जब सामने होंगे क्या कर सकता है सोडी? चंपक चाचा के गुस्से से कोई नहीं बच पाया। अब तो सोडी को जुबान खोलनी ही होगी, न तो वो भाग सकता है न बात बताने से मना कर सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी, और जब सोडी बात बताएगा तब आपके चेहरों पे हंसी जरूर होगी, जैसी इस वक्त। मित्रों एक विशेष बात, मित्रों कल ईद उल फितर का त्योहार है। हमारे सभी मुस्लिम भाई बंधुओं को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, और यूं ही हंसते रहें और देखते रहें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.